लास्ट क्लास के अंदर अपन ने विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ा, डेनियल सेल के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो आज मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। यदि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करो तो सभी धातु और अधातुओं का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया है वो बाई यूजिंग द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही निकाला गया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, और इसके बाद में एक या दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें ऐसा हम लर्न कर पाए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कैसे की जा सकती है। देखो, कल अपन ने देखा था सीरीज के अंदर जो आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी थी, उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव की जो वैल्यू थी वो क्या थी, जीरो थी। क्लियर? तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं अपन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बनावट के बारे में। तो देखिए क्या होता है, एक आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने क्या लिया है, 1 mH+ एक्वस सॉल्यूशन लिया है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है जो हमें 1 mH+ प्रोवाइड करवा सके। जनरली जो सॉल्यूशन काम में लिया जाता है वो H2SO4 का या HCl का काम में लिया जाता है। और यहाँ पे क्या होती है, एक कांच की ट्यूब होती है जिसकी जो पार्श्व भाग होता है उसका, वो क्या होता है, इसके अंदर खुला होता है। और इसमें क्या करते हैं अपन, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड भी लगा देते हैं, या आपके पास एक विलयन हो गया, ये विलयन 1 mH+ आयनों का विलयन है, और कांच की नलिका के पार्श्व भाग से 1 atm पर H2 गैस इसके अंदर प्रवाहित की जाती है। ध्यान देना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बनावट के बारे में क्या बात हुई अपने बीच में, एक तो एक कंटेनर है आपके पास जिसमें 1 mH+ एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन लिया गया है, ऐसा विलयन जो हमें क्या दे दे, 1 mH दे दे। ये कांच की एक नलिका है, इस कांच की नलिका में एक प्लेटिनम का तार लगाया गया है, और वो इसमें कांच की नलिका के पार्श्व भाग से 1 atm पर H2 गैस इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। इसकी बात करें अपन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो पहला पॉइंट ये है, इसकी सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना भी कर सकते हैं, यानी कि किसी अन्य सेल के E0, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, M+ और ये M, ये हो जाएगा आपके पास क्या एक्वस, और ये हो जाएगा आपके पास क्या सॉलिड, किसी अन्य इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना आप कर सकते हो। दूसरी बात, हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है, वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। दूसरी बात, मानक जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, या मैं सिर्फ अभी जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये किसकी तरह काम कर सकता है, एनोड की तरह भी काम कर ससकता है, एज वेल एज कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। इज दैट क्लियर? अब ये कैसे पॉसिबल है कि एनोड की तरह भी काम करे और कैथोड की तरह भी काम करे, आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर देखिए, यदि हाइड्रोजन को उससे ऊपर आने वाली धातु के साथ आप ऐड करोगे तो जो धातु ऊपर आ रही है, जो मेटल ऊपर आ रही है, वो तो किसका काम करेगी, एनोड का काम करेगी, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो गया, या कैथोड। और हाइड्रोजन को उससे नीचे आने वाली धातु के साथ यदि अटैच कर दिया जाए, जैसे हाइड्रोजन और कॉपर को मिला करके क्या कर दिया जाए, एक सेल बना दिया जाए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक तो एग्जाम के अंदर चित्र पूछा गया, डायग्राम पूछा जाता है, और कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब एनोड की तरह काम कर रहा है तो उसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, जब वो कैथोड की तरह काम कर रहा है तो उसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, और एनोड की तरह काम करता तो क्या सेल रिएक्शन थी, कैथोड की तरह काम कर रहा था तब क्या सेल रिएक्शन थी। देखो ये कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। तो अपन देखते हैं कि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे काम कर रहा हो, एनोड की तरह काम कर रहा हो, तो सबसे पहली बात तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका सेल प्रदर्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल प्रदर्शन। और एक आपको क्या लिखनी है इसके बारे में, सेल अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, देखो
आप क्या करो, डायरेक्टली सेल प्रदर्शन मत लिखो। क्या लिखो, पहले सेल अभिक्रिया लिखो, और सेल अभिक्रिया से क्या कर लेंगे अपन, सेल प्रदर्शन बना लेंगे। जब हाइड्रोजन एनोड की तरह काम करेगा तो सीधी सी बात यह है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का यदि ऑक्सीडेशन हो तो देखो एस टू गैस कन्वर्ट इंटू टू एच प्लस एक्वस प्लस दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसका रिप्रेजेंटेशन कर दो। ये हो गई आपके पास क्या, एस टू गैस। एस टू गैस आपने किसके सहारे से भेजी थी, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की सरफेस से होकर के जा रही है, तो अपन लिखेंगे पी टी एच टू। एस टू गैस आपने कितने एटीएम पर भेजी है, 1 एटीएम पर विलयन के अंदर भेजी है, तो प्लेटिनम एस टू गैस 1 एटीएम। और अब इसकी प्रोसेस फिजिकल स्टेट के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। जैसे ही फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज आता है तो ये एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, एच प्लस एक्वस लिखूंगा। क्लियर। एच प्लस एक्वस कहाँ गए हैं, एस सी एल के विलयन के अंदर गए, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, ये एस सी एल। इज दैट क्लियर। यानी कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के सारे आपने एच टू गैस भेजी विलयन के अंदर, कितने एटीएम पर, 1 एटीएम पर, किस में कन्वर्ट हो गया, एच प्लस में, और एच प्लस कहाँ चले गए, एस सी एल के अंदर। अब इधर ध्यान देना इस डायग्राम के अंदर कि आप इधर से एच टू गैस इसके अंदर भेज रहे हो। क्लियर। तो एच टू गैस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होते ही वो किस में कन्वर्ट होगा, एच प्लस में। एच प्लस में कन्वर्ट होते ही वो कहाँ चला जाएगा, एस सी एल के विलयन के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट, जब ये कैथोड की तरह काम करता है, जब यह कैथोड की तरह काम करता है तो इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी और सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसकी बात करते हैं अपन। ध्यान देना, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे अपन, इसका सेल प्रदर्शन लिखेंगे। और मैं आपको कह रहा हूं कि पहले सेल प्रदर्शन न लिख करके पहले क्या लिखो आप, सेल अभिक्रिया लिखो, और सेल अभिक्रिया से क्या बना लीजिए, सेल प्रदर्शन बना लीजिए। तो मैं लिख रहा हूं पहले क्या, सेल अभिक्रिया लिख रहे हैं अपन इसकी। ठीक है, देखिए सेल अभिक्रिया लिखनी है तो अब की बार आप कहाँ लिख रहे हो, कैथोड पे लिख रहे हो। कहाँ पे लिख रहे हो, कैथोड पे लिख रहे हो। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी कि एच प्लस आयन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे पास ये हो गया एच प्लस एक्वस प्लस एक इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इंटू 1/2 एच टू गैस। देखिए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप यहाँ पे 2H+ लो, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो और एच टू गैस बनेगी। जैसे पहले वाले मोड के अंदर मैंने 1 मोल ऑफ एच टू लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाफ मोल के साथ भी लिख सकते हो और 1 मोल के साथ भी लिख सकते हो। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एच प्लस एक्वस। एच प्लस एक्वस कहाँ से निकले होंगे, 1 एम एस सी एल का सोल्यूशन मान लीजिए अपन ने यहाँ से लिया, या H2SO4 का जो सोल्यूशन था वहाँ से होगा। नेक्स्ट, ये किस में कन्वर्ट हो गई, एच टू गैस के अंदर कन्वर्ट हो गई, तो ये एच टू गैस के अंदर कन्वर्ट हो गई। जैसे इसकी स्टाइक्योमेट्री यहाँ पे कितनी है, 1/2 है, तो जनरली सेल रिप्रेजेंटेशन करते टाइम स्टाइक्योमेट्री का यूज नहीं करते। हालांकि ऐसा किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप जितने भी सेल रिप्रेजेंटेशन देखोगे उनमें स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट आपको नहीं मिलेगा। और ये एच टू गैस और ये क्या जाएगा आपका, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये हो गया इसका क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपने क्या कहा, इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जा सकती है। ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक कंटेनर था, 1 एम एच प्लस प्रोवाइड करवाने वाला एस सी एल या H2SO4 का अपन ने विलयन ले लिया, इसके अंदर प्लेटिनम का तार है। 1 एटीएम पर कांच की नलिका के पार्श्व भाग से आप क्या भेज रहे हो, इसके अंदर एच टू गैस भेज रहे हो। एच टू गैस अंदर जाएगी, ऑक्सीडाइज होगी, एच प्लस आयन बनेंगे। एच प्लस आयन बनते कहाँ चले जाएंगे, वो विलयन के अंदर चले जाएंगे। विलयन से क्या होगा, एच प्लस आयन आपस के अंदर ऐड होंगे, सॉरी एच प्लस आयन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एच टू गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रकार एक साम्य स्थापित हो जाएगा। एनोड की तरह काम करता है तब सेल रिप्रेजेंटेशन क्या था, और कैथोड की तरह काम करता था तब सेल रिप्रेजेंटेशन क्या था, वो चीज़ अपन ने एक्सप्लेन कर दी। अब अपन क्या करेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करेंगे। क्लियर।
सपोज हमें क्या करना है, SHE का यूज करके, क्या करना है अपने को, SHE का यूज करके ई नोट मैग्नीशियम 2+ एक्वस और ये मैग्नीशियम सॉलिड की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी ई नोट या ई दिया जाए तो आप नीचे देखोगे क्या कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये मैग्नीशियम का क्या निकालना है आपको, मानक अपचयन विभव निकालना है। क्या निकालना है, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव क्या होता है, ई नोट आर ई डी। और IUPAC ने क्या कहा था कि जो मानक अपचयन विभव होता है वही क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। कहने का मतलब यह है कि SCHE का यूज करके आप मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव को निकाल लीजिए और मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव ही क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। मतलब हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहली बात तो ये मैग्नीशियम के मानक इलेक्ट्रोड विभव की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -2.36 वोल्ट या -2.37 वोल्ट के आसपास होती है। क्लियर, तो मेरे -2.36 वोल्ट होती है, ये मैं पहले से याद करके चल रहा हूँ। क्यों, ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है जो आपको याद नहीं करनी है, आप मैग्नीशियम ZN और कॉपर इन तीन की तो याद कर ले। क्लियर, तो मैं कह रहा हूँ एक तो आप किसकी याद कर लीजिए, ई नोट ZN 2+ एक्वस और ये ZN सॉलिड, इसके लिए वैल्यू कितनी है, -0.76 वोल्ट है। और ई नोट कॉपर 2+ एक्वस और ये कॉपर सॉलिड के लिए वैल्यू कितनी है, +0.34 वोल्ट है। क्लियर, सबसे पहले बात करेंगे अपन मैग्नीशियम के मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैलकुलेट करना है अपने को। तो देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम सीरीज के अंदर ऊपर आता है और हाइड्रोजन सीरीज में किधर की तरफ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो मैग्नीशियम तो किसका काम करेगा, यहाँ पे एन नोड का काम करेगा, और आपकी जो आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसका काम करेगा, यहाँ पे कैथोड का काम करेगा। क्लियर, तो हम सेल बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ एनोड कौन होगा, मैग्नीशियम होगा, और कैथोड कौन होगा, हाइड्रोजन होगा आपका। तो देखिए क्या करेंगे अपन, एक सेल का डिज़ाइन करेंगे। आपके पास ये क्या है, MgSO4 का विलयन है। क्या है, MgSO4 का विलयन। MgSO4 के विलयन में आपने क्या किया, मैग्नीशियम धातु का इलेक्ट्रोड लगा दिया, या आपके पास Mg इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने यहाँ पे। क्लियर, इसका इसको अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ऐड करेंगे। ये हो गया आपके पास 1M H+ एक्वस सॉल्यूशन हो गया आपके पास, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अभी आप जस्ट पढ़ चुके हो, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये आपका विलयन हो गया। इधर से क्या प्रोवाइड कर रहे हो, इधर से अपन H2 गैस 1 ATM पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लियर, और इन दोनों को आपने किसके साथ जोड़ दिया, वोल्ट मीटर के साथ जोड़ दिया। क्लियर, और ये लवण सेतु लगा करके आपने क्या किया, आंतरिक परिपथ का निर्माण भी पूर्ण कर दिया। देखिए अपना जो टॉपिक था वो क्या था, मैग्नीशियम के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी थी किसकी सहायता से, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। क्लियर, अब आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है वो किसकी रीडिंग होती है, ई नोट सेल की रीडिंग होती है। किसकी रीडिंग होती है, ई नोट सेल की रीडिंग। और ये जो रीडिंग होती है, यदि मैं 12th के सिलेबस के हिसाब से बात करूँ तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ये जीरो होती है। सांद्र जो कंसनट्रेशन सेल है, सांद्रता सेल है, उनके लिए जीरो होती है ये वैल्यू। लेकिन आपके पास यदि कोई विद्युत रासायनिक सेल का आपने डिज़ाइन किया है तो इसमें आपके पास ई नोट सेल की वैल्यू आएगी, वो हमेशा कितनी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। मैंने आपको एक चीज़ पहले ही याद करवाई है क्या, कि मैग्नीशियम के मानक इलेक्ट्रोड की विभव की वैल्यू कितनी होती है, -2.36 वोल्ट होती है। इज दैट क्लियर, ये आप पहले से ही मेमोराइज लर्न करके याद रखोगे। क्यों, इसका यूज करेंगे अपन इसके अंदर, कि वो टेबल कैसे बनाई होगी, उनके पास तो इंस्ट्रूमेंट थे, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर रीडिंग आई थी, मतलब रीडिंग पुटअप हुई थी उनके सामने तो। लेकिन हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से इसको क्लियर करेंगे। सेल का डिज़ाइन करने के बाद में आपको इतना ही ध्यान रखना है
कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो किसको बताती है, इनोड सेल की, इनोड सेल को बताती है, और इनोड सेल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर? तो मैं यहाँ, अच्छा ये आपके पास अब ये जो देखो हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू तो कितनी होती है, जीरो। मैग्नीशियम की कितनी है, -2.36 वोल्ट, जो आप पहले से याद है आपको। तो आप यहां ये इनोड सेल की जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, +2.36 वोल्ट आएगी। आपको जैसे मान लीजिए मैं ZN को ऐड किया होता, तो ZN को यदि SHE के साथ मैंने ऐड किया होता तो रीडिंग आती तो कितनी आती, +0.76 वोल्ट आती। कॉपर को ऐड करता तो कितनी आती, +0.34 वोल्ट आती। अब देखो जिसका प्लस में है उसका अपने आप प्लस में आ जाएगा, जिसका माइनस में है उसका अपने आप माइनस में आ जाएगा। आप यहाँ फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, इनोड सेल इज इक्वल टू इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। वोल्ट मीटर की रीडिंग किसकी रीडिंग है, इनोड सेल की रीडिंग है। वेरी गुड। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू कितनी थी, -2.36 वोल्ट, लेकिन ये वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, इनोड सेल की ये वैल्यू आएगी 2.36 वोल्ट प्लस में। इज दैट क्लियर? कैथोड का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कर रहा है। तो ये हो गया मेरे पास इनोड, हम सीधी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, ये कौन सा हो गया, मैग्नीशियम। तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई, जीरो। माइनस इनोड, ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड है Mg2+ एक्वस और ये Mg सॉलिड। क्लियर? तो देखो ये वैल्यू आपके पास अभी, ये इधर वाला जो पार्ट है, ये जो फ्रैक्शन है किसके अंदर है, माइनस के अंदर है। इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, +2.36 वोल्ट आ जाएगा, और ये हो जाएगा -2.36 वोल्ट, और ये इनोट मैग्नीशियम 2+ एक्वस और ये मैग्नीशियम सॉलिड। इज दैट क्लियर? तो देखो मैग्नीशियम के मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू कितनी आई, -2.36 वोल्ट आई। आप क्या कीजिए, आप पहले ही जैसे तीन एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इनमें से मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, एनोड और कैथोड का डिसाइडमेंट हो जाएगा कि जो ऊपर आ रहा है वो एनोड है, जो नीचे आ रहा है वो क्या है, कैथोड है। और ये इनोड सेल की रीडिंग जो भी रेस्पेक्टिव, जैसे मान लीजिए मैं अगला क्वेश्चन अपन ZN के लिए करें या कॉपर के लिए करें, तो वैल्यू प्लस में ही आएगी। फॉर्मूला पुटअप कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएंगे। जो आंसर आएंगे वो, यदि वो उसका नेगेटिव के अंदर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो नेगेटिव के अंदर आ जाएगा, और पॉजिटिव में है तो क्या होगा, पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे कॉपर का, जैसे मान लीजिए मैंने कॉपर को ऐड किया होता, ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, इनोट कॉपर 2+ एक्वस और कॉपर सॉलिड की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मेरे को कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू निकालनी है। तो अपन इसको, इस कॉपर इलेक्ट्रोड को किसके साथ ऐड कर देंगे, SHE के साथ ऐड कर देंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ऐड कर देंगे। जैसे अपन इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ऐड करेंगे, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को अपन देखें तो H2 गैस तो ऊपर आती है, कॉपर किधर आता है, नीचे की तरफ। तो यहाँ H2 गैस तो किसका काम करे, सॉरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो किसका काम करेगी, एनोड का, कॉपर किसका काम करेगा, यहाँ कैथोड का काम करेगा। क्लियर? तो फॉर्मूला लगाइए, और कॉपर की वैल्यू आप लोग जानते हो +0.34 वोल्ट है। तो आपके वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी, यानी कि आपके इनोट सेल की जो रीडिंग आएगी, वो भी कितनी आएगी, +0.34 वोल्ट ही आएगी। अब क्या कीजिए, फॉर्मूला लगाइए आप। तो ये हो गया इनोड सेल इज इक्वल टू इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। ध्यान देना इधर, जब आप हाइड्रोजन और कॉपर को, कॉपर इलेक्ट्रोड को ऐड करके सेल बना रहे हो, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो किसका काम कर रहा है, एनोड का, और कॉपर इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। क्लियर? तो ये तो हो गया आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है आपके पास, +0.34 वोल्ट आई है। इनोड कैथोड क्या है आपके पास, इनोड कैथोड है अपने पास कॉपर 2+ और ये कॉपर सॉलिड, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी वैल्यू कितनी है,
0.0 वोल्ट है, तो ये इधर वाला तो ये तो हट जाएगा यहाँ से -0.0। और आपके पास जो कॉपर की जो कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, +0.34 वोल्ट आएगा। आई थिंक ये टॉपिक यहाँ पर आपके क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक है वो है नेंसर्ट समीकरण। नेंसर्ट समीकरण इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स नेंसर्ट समीकरण पर आधारित ही हैं, इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो नेंसर्ट समीकरण डिराइव करते हैं अपन। देखो थर्मोडाइनेमिक्स में डेल्टा जी व साम्यावस्था स्थिरांक के इक्विलिब्रियम के साथ एक रिलेशन दिया जाता है, वो रिलेशन क्या है आपके पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लॉग ई के इक्विलिब्रियम है आपके पास, क्लियर। डेल्टा जी का, डेल्टा जी क्या है यहाँ पर, गिब्स ऊर्जा, स्वतंत्र ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा, और डेल्टा लगा हुआ तो क्या हो गया, गिब्स ऊर्जा में चेंज, स्वतंत्र ऊर्जा में चेंज या मुक्त ऊर्जा में चेंज, और ये क्या है मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, मानक स्वतंत्र ऊर्जा में परिवर्तन, मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, और ये क्या है साम्यावस्था स्थिरांक है। देखिए डेल्टा जी क्या होती है, गिब्स एनर्जी होती है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, -NFeCl के इक्वल होती है। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है जो सेल अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। f क्या है, फेराडे नियतांक है। ई सेल क्या है, सेल का सेल विभव है, क्लियर। और जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा उस पीडीएफ के अंदर पूरा एनालिसिस करके लिखा हुआ है कि डेल्टा जी का क्या नाम है यहाँ पे, एन क्या है, एफ क्या है, ई सेल क्या है, और डेल्टा जी नोट क्या होता है आपके पास, -NFe नोट सेल होता है, क्लियर। ये मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है, मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, मानक स्वतंत्र ऊर्जा में परिवर्तन है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, एफ क्या है, फेराडे नियतांक, और ये क्या है मानक सेल विभव, क्लियर। दूसरी बात ये आपके पास है के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता। ये रासायनिक साम्य वाले चैप्टर में 11th क्लास में अपन ने पढ़ा है कि उत्पाद की सांद्रता आएगी और नीचे क्या आएगा, क्रियाकारक की सांद्रता आएगी, क्लियर। तो इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो मैं लिखूंगा डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, -NFeCl इज इक्वल टू -NFe नोट सेल प्लस RT लॉग E, और ये हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्लियर। तो आपने क्या किया है यहाँ पर, डेल्टा जी नोट और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इसके अंदर क्या कर दी, पुट कर दी। अब इस इक्वेशन में देखिए आप, -NF यहाँ 2 times आ रहा है, दो जगह पे आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे इस इक्वेशन को -NF से डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ये प्लस था, आप डिवाइडेशन किसके साथ कर रहे हो, -NF के साथ। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, -RT अपॉन NF log E प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप log E को कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, log 10 के अंदर, जो आप जानते हो log E इज इक्वल टू 2.303 log 10 होता है। तो log E को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस लॉग ई की जगह क्या लिखना आपको, लॉग 10, तो लॉग 10 तो यहाँ जाएगा, और ये 2.303 अपन क्या कर लेते हैं, आगे ले लेते हैं, तो ये हो गया 2.303 RT अपॉन NF लॉग 10
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इज दैट क्लियर। अब देखिए इस इक्वेशन में एक तो आपको R की वैल्यू रखनी है, एक टेम्परेचर की वैल्यू रखनी है, एक इसकी वैल्यू रखनी है, फेराडे स्थिरांक की वैल्यू रखनी है। तो आपका जो R है वो तो कितना रखोगे आप, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल रखोगे, और टेम्परेचर कितना रखोगे आप, 298 केल्विन रखोगे, और ये कितना रखोगे, 96500 रखोगे। इन सब की वैल्यू इसके अंदर पुटअप करने के बाद में कैलकुलेशन करेंगे अपन, और कैलकुलेशन करने के बाद में अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग, ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट और ये क्या हो गया आपके पास रिएक्टेंट, क्लियर। और ये देखिए अब आपके पास क्या है, नेंसर्ट इक्वेशन है, क्लियर। इस नेंसर्ट इक्वेशन से आप क्या कैलकुलेट करोगे, इस नेंसर्ट इक्वेशन से अपन किसी सेल का सेल विभव या किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। इसमें देखो एक पॉइंट ये भी आ रहा है, एनोड सेल, एनोड सेल क्या है आपके पास, मानक सेल विभव है, क्या है, मानक सेल विभव। मानक सेल विभव को आपने कैसे कैलकुलेट किया था, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम पे ध्यान रखें कि या तो आपको एग्जामिनर सीधा ही क्या कर दे, ई नोट सेल दे दे, तो डायरेक्ट वैल्यू अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। दूसरी बात, या अपने लिए क्या करे एग्जामिनर, कैथोड की वैल्यू अलग से दे और एनोड की वैल्यू क्या दे अपने को, अलग से दे, ठीक है। तो वो वैल्यू अपने को इनमें इस फॉर्मूले रख करके पहले क्या निकालना होगा, एनोड सेल निकालना होगा, और एनोड सेल को अपन यहाँ पुट कर देंगे, अपने को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी जाएगी, तो वो वैल्यू यहाँ पुट करके अपन क्या कर लेंगे, एनसो निकालेंगे। एक इसका अपन एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, यहाँ पे बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है वो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, डेनियल सेल पर नेंसर्ट समीकरण अप्लाई कीजिए। तो पहले तो क्या करो आप, डेनियल सेल की सेल रिएक्शन लिखिए, और आई थिंक अब तक आप लोगों को डेनियल सेल की सेल रिएक्शन याद हो गई है, क्लियर। तो आपके पास डेनियल सेल की रिएक्शन क्या थी, जेड एन सोलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस कन्वर्ट इंटू जेड एन 2+ एक्वस, और ये यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, सॉरी कॉपर सॉलिड आ जाएगा, ये आ गया आपके पास कॉपर सॉलिड। यही थी आपके पास डेनियल सेल की सेल रिएक्शन, और डेनियल सेल की सेल रिएक्शन के बारे में अपने को पता भी था कि वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, जो रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और इन चार्ज को देखने से भी पता चल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये बात सही नहीं है, किसी भी रिएक्शन के अंदर आप चार्ज को देख करके ये नहीं बताओगे सीधा कि भाई 3+ चार्ज है एक तरफ, 2+ चार्ज है, तो आप ऐसा कह दोगे कि 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे या 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसका मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा। पहले अपना क्वेश्चन ये है कि डेनियल सेल के लिए अपने को क्या करनी थी, नेंसर्ट समीकरण लिखनी थी। तो चलो ठीक है, अपन लिखते हैं इसके लिए, ये हो गया ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे सेल रिएक्शन के अंदर, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ध्यान देना एक चीज, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट के अंदर है, या जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसीय अवस्था के अंदर है, उन सब की कंसंट्रेशन कितनी मानेंगे अपन, 1 मानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी मानेंगे अपन, 1 मानेंगे। कोई आपके पास एक्स गैस है,
तो उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी मानेंगे, 1 मानेंगे। मतलब आपको ZN सॉलिड को और कॉपर सॉलिड को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 होगी। आगे मैं आपको इसे न्यूमेरिकल सोल्व करके बताऊंगा। तो आपके पास देखो लॉग 10 भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा लॉग लिखा हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है, लॉग 10 ही होता है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास लॉग, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कौन आएगा मेरे पास, ZN 2+ एक्वस, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कॉपर 2+ एक्वस। बिकॉज कॉपर सॉलिड और ZN सॉलिड ये दोनों किस स्टेट के अंदर थे, सॉलिड स्टेट के अंदर थे, और जितने भी रिएक्टेंट सॉलिड में हो और गैस में हो तो उनकी कंसंट्रेशन कितनी मानते हैं अपन, 1 मानते हैं। ये डेनियल सेल के लिए अपन ने सेल रिएक्शन लिख दी है। अब मान लो एग्जामिनर हमेशा कहता है कि जो ZnSO4 का विलयन है वो कितने कंसंट्रेशन का है, 0.1 m कंसंट्रेशन का है, और कॉपर का जो विलयन है वो कितना है, 0.01 m कंसंट्रेशन का है। तो 0.1 m ऊपर आ जाता और 0.01 किधर आ जाता, नीचे की तरफ आ जाता, तो आपका न्यूमेरिकल बन जाता और अपन इसे क्या कर लेते, सोल्व कर लेते। और डेनियल सेल के लिए ये वैल्यू अपन जानते ही हैं कितनी होती है, 1.1 वोल्ट होती है, जो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, या एग्जामिनर हमें ये वैल्यू क्या करेगा, कैथोड की एनोड की वैल्यू देगा, तो कैथोड माइनस एनोड का फॉर्मूला लगा करके अपन ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और करना है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक सेल प्रदर्शन दिया हुआ है। इस सेल प्रदर्शन से पहले तो आपको क्या लिखनी है, सेल रिएक्शन लिखनी है। सेल रिएक्शन लिखोगे तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर वो पता चल जाएगा, और उसके बाद में इसके लिए आपको क्या करना है, नेनसट इक्वेशन लिखनी है। क्लियर? ये अपने को सेल दिया हुआ है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो अपन श्योर है कि लेफ्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, एनोड होगा, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा, चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, एंड रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। देखो यहाँ पे चार्ज अब की बार अलग अलग है, एक पे तो 2+ चार्ज है, एक पे कितना है, 3+ चार्ज है, तो मैं सीधा देख के डिसाइड नहीं करूँगा कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा तरीका अपन एक हिंट तैयार करेंगे, उससे आप किसी सेल प्रदर्शन को देख करके क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो अपन क्या करेंगे, एनोड पर होने वाली रिएक्शन लिखेंगे। तो एनोड पर, एनोड पर देखो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा आपके पास, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और मैग्नीशियम सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मैग्नीशियम 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? दूसरी बात करें अपन किसकी, कैथोड की। कैथोड पर क्या है आपके पास, Al3+। देखो इसका कुछ इस मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ तो यहां से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, एल्यूमिनियम ने ले लिए, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Al में। अब आप यहाँ ये नहीं सोचे कि यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आए थे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ही लेगा, इसको जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है डिपॉजिट होने के लिए, निक्षेपित होने के लिए, आप इसको उतने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवाओ। तो कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा आपके पास, रिडक्शन होगा, और आपके पास रिडक्शन होगा तो देखो Al3+ एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इंटू Al सॉलिड। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके अपन क्या कर देंगे, सेल रिएक्शन लिख देंगे। और मैंने आपको बता रखा है जब भी आप एनोड हाफ रिएक्शन को और कैथोड हाफ रिएक्शन को ऐड करके लिखो तो आप पहले चेक करोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ साइड इन बोथ रिएक्शन सेम है या नहीं है। तो यहाँ कितने हैं देखो, 2 है, यहाँ कितने हैं, 3 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, और इस नीचे वाली इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब नंबर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इधर भी देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, जो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन क्या बची है आपके पास, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस Al3+ एक्वस, इनके कोफिशियंट कितने हैं, इसका 3 है मैग्नीशियम का तो ये लो 3, एल्यूमिनियम का कितना है, 2 है, तो ये लीजिए 2।
अब प्रोडक्ट में क्या बना आपके पास? एक तो बना है Mg 2+ एक्वस, और कोफिशियंट कितना है? 3 है। और आपके पास इधर की तरफ 2Al 3+ डिपॉजिट हो जाएगा, 2Al सॉलिड आपके पास डिपॉजिट हो गया। तो ये इस सेल की क्या आ गई आपके पास? सेल रिएक्शन आ गई। अब आपको क्या करना है, इसके लिए नेनसेट इक्वेशन लिखनी है। तो एक तो अपने को ये भी पता चल गया कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। चार्ज को देख करके डिसाइड नहीं करना है, उसका अलग तरीका है कि चार्ज को देख करके डिसाइड करते हैं तो किस तरह से करते हैं, वो अभी अपन इस टॉपिक के बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, एन की जगह कितना आएगा? 6। क्यों? 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे रिएक्शन के अंदर। और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखो एल्यूमिनियम सॉलिड है, रिएक्टेंट की बात करें तो मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है। तो ये दोनों तो हट जाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन तो कितनी माननी है? 1 माननी है। तो इधर से क्या बचा आपके पास? मैग्नीशियम। तो ये होगा मैग्नीशियम एक्वस 2+, और ये जो कोफिशियंट है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन किधर चला जाएगा? पावर के अंदर चला जाएगा। तो आपके पास एक इधर आ गया, 3 आ जाएगा पावर के अंदर। इधर क्या बचा आपके पास? सिर्फ एल्यूमिनियम बचा। तो ये हो गया मेरे पास इधर Al 3+ एक्वस, और पावर कितनी आ जाएगी इसकी? 2 आ जाएगी। तो आपके पास ही एक सेल रिप्रेजेंटेशन था। इस सेल रिप्रेजेंटेशन से आपने क्या किया? सेल रिएक्शन लिख दी। और सेल रिएक्शन लिख करके आपने क्या कर दिया? नेनसेट इक्वेशन पर आपने उसको अप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कंसंट्रेशन दी भी रहती तो अपन लिख देते ये वैल्यू अपने पास होती तो अपन न्यूमेरिकल इसका सोल्व कर लेते। इसका भी ध्यान रखें, इनका जो कोफिशियंट है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन दर अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार किधर चला जाता है? पावर के अंदर चला जाता है। अब आपको मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी सेल के यहाँ वैलेंसी देख करके डिसाइड कर लो कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर? जैसे आपके पास इधर Mg 2+ था, इधर क्या है आपके पास? Al 3+ है। इनको सीधा भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे आपने कहा कि इनको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ये तरीका भी सही नहीं है। आपको क्या करना है, लवण सेतु के दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? बराबर। जैसे एक तरफ तो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे। एक तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको आप इक्वल कीजिए। इक्वल करोगे तो कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और इधर भी कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया आपने? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया आपने? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप कह रहे हो कि सर इनको तो आप सीधा मल्टीप्लाई करते तो भी इतना आता। हाँ, इतना आता, लेकिन सब जगह पर ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मान लो कोई मेटल 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, दूसरी जो मेटल है वो किधर है? 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, लवण सेतु के दोनों तरफ। तो मैं क्या करूंगा, अब जैसे मान लो सीधा मल्टीप्लाई करते कितना हो गया? 8 हो गया, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 4 और दूसरी तरफ कितना है? 2 है। एक तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने को सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, किससे? 2 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोनों, आपके पास दोनों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर पर नेनसेट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।